तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैंने सुबह वीडियो इसलिए अपलोड नहीं करी क्योंकि मुझे कुछ प्रॉपर न्यूज़ नहीं मिली डालने लायक, एंड मैं थोड़ा बिजी भी था इसलिए मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ। एंड बेसिकली आज की वीडियो में हम दो न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, एंड एक छोटा सा रिमाइंडर कि हमारे 22,500 सब्सक्राइबर्स का गोल है। तो सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो सांगवान एंड सोल के बीच में क्या मैटर हुआ था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हुआ क्या कि जो गॉब्लिन है उन्होंने हॉस्पिटल के आसपास ड्रॉप लिया था, एंड फिर जो सांगवान की टीम है यानी कि जो ब्रॉलर्स है उन्होंने गॉब्लिन को मार दिया था। एंड इसी के बाद सोल एंड सांगवान की टीम के बीच में फाइट हुई थी जिसमें अक्षत ने 1v4 कर दिया था। एंड इसके बाद सांगवान ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये तो टारगेट लग रहा है। एंड फिर उन्होंने एक और स्टोरी लगाई थी, एंड इसमें उन्होंने बताया कि वो कोई हेट फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे, एंड वो सोल फैंस को भी हेट नहीं दे रहे। वो खुद पहले एक सोल के पार्ट रह चुके हैं, उनको पता है कि उनके फैंस कितने अच्छे हैं, वो सब उनको पसंद करते हैं, लेकिन जो कुछ पिकाचूस है उनका वो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए उन्होंने बताया कि उसे अपने ग्राइंड पे फोकस करने वाले हैं, वो कुछ टाइम के लिए अपने DM इनबॉक्स को इग्नोर करने वाले हैं। एंड बस ये मैटर इतना ही था, यहाँ पर ये मैटर खत्म हो गया। एंड अपन अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है काइलो के बारे में। एंड आप सब काइलो को तो जानते होंगे, एंड जो नहीं जानते उनको बता दूँ कि काइलो एक प्लेयर है जो TX के अंदर ट्रायआउट दे रहे हैं। एंड ये वाला मैटर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हुआ क्या कि जो हीरोज़ ऑफिशियल है उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें बेसिकली एक ब्लैकलिस्ट नोटिफिकेशन थी, एंड उन्होंने बताया कि जो चार गेमर्स है बॉम्बर जिक्शॉक काइलो एंड इवोक उनको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। एंड उसके रीजंस ये है कि उन्होंने चीटिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड करा है, उन्होंने मैनेजमेंट को मिसलीड करा है, इसी के साथ साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को डिफेम करा है। इसी के साथ साथ जब ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के द्वारा प्लेयर्स को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी गई तो प्लेयर्स ने रिप्लाई भी नहीं करा, एंड उन्होंने इसी से रिलेटेड स्टोरी लगाई थी। एंड उन्होंने ये भी पता है कि वो इन चारों प्लेयर्स के खिलाफ लीगल एक्शन भी लेने वाले हैं। एंड उन्होंने दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भी एक सजेशन दिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस इन प्लेयर्स को अगर हायर करना चाहती है तो वो अपने रिस्क पर हायर करे क्योंकि वो इन प्लेयर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाली है, एंड इन प्लेयर्स के वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड बस यही पूरा मैटर था। एंड अभी तक तो जो चारों प्लेयर्स है उन्होंने इसके रिलेटेड कुछ भी रिप्लाई नहीं करा है, एंड अगर कोई रिप्लाई करता है तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एंड इस पूरे मैटर पे आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आज की वीडियो को यही ख़त्म कर लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा 22,500 सब्सक्राइबर्स का गोल है।